सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, अज असी करांगे एक्सरसाइज 4.1 का सैकेंड का फोर्थ पार्ट। चूंकि असी क्वेश्चन रीप्रजेंट करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, अज असी फोर्थ पार्ट की क्वेश्चन रीप्रजेंट करांगे। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक ट्रेन डिस्टेंस 480 किलोमीटर एक स्पीड से ट्रैवल कर रही है, वो 8 किलोमीटर अगर स्पीड घट जाती है तो 3 किलोमीटर वो सेम डिस्टेंस लेट कवर करती है, उन्होंने 3 किलोमीटर ज़्यादा टाइम 3 घंटे ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो ट्रेन की स्पीड पता करो। लो जी, असी देखते हैं कि एक डिस्टेंस जिहड़ा है ट्रेन जो ट्रैवल करती है वो 480 किलोमीटर ट्रैवल करती है, एक स्पीड वो मान लें कि एक्स स्पीड है, दैट स्पीड वो एक्स किलोमीटर पर होगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जदों असी टाइम मान लेंगे टाइम जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस सी उदों स्पीड वो एक्स सी, सो वही डिस्टेंस जो स्पीड 8 किलोमीटर घट जाती है, एक ट्रेन वही ट्रेन इधर जा रही है, ये टाइम है डिस्टेंस ओवर स्पीड, फिर डिस्टेंस स्पीड वो कि घट गई 8 किलोमीटर घट गई, तो इस तरह वो 3 घंटे इस ट्रेन नालों लेट हो गए। ये वही ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक्स स्पीड पर जा रही है, ये 480 किलोमीटर जा रही है एक्स माइनस 8 पर जा रही है, पर 3 घंटे लेट दोवें ट्रेना जा रही हैं। असी इसनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रजेंट करांगे, इहदे नाल दे एक्सम अगली एक्सरसाइज भी आउणगे 4.3। सो याद रखना जदों टाइम कटेगा स्पीड कटेगी, असी टाइम भी माइनस करदे करांगे, टाइम वधेगा तो असी इधर भी टाइम स्पीड वधेगी तो टाइम भी प्लस करदे करांगे। सो याद रखना कि माइनस नाल इत्थे माइनस होगा, प्लस नाल प्लस होगा, जो अगले सम च भी अगले एक्सरसाइज भी सम आउणगे माइनस ते दोवें माइनस प्लस ते प्लस। हुण असी इहनूं इस साइड ते लै जांगे, 480 ओवर एक्स माइनस 480 ओवर एक्स माइनस 8। असी सिर्फ इसनों रीप्रजेंट करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाना है, सॉल्व नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4.3 जो इधर नाल दे सामने आएंगे फिर असी इसनों सॉल्व करांगे, 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 480 इंटू एक्स ओवर सॉल्व किया एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3। सो सॉल्व किया 480 एक्स माइनस 480 8 ना करांगे मल्टीप्लाई, 480 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ 3840 480x ਓਵਰ x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 8x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 3। 480x ਨਾਲ 480x ਕੈਂਸਲ, 3840 ਓਵਰ x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 8x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 3। ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, 3840 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਇੰਟੂ x ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 8x। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, सो असी इसनों 3 ना इतने कैंसल कर देंगे, 3 ना कैंसल करके 1 2 8 0 ते कैंसल हो जाएंगे ये। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करांगे, 1280 एक्स की स्केयर माइनस 8x, एक्स की स्केयर माइनस 8x, 1280 इधर आगे माइनस हो गया, सो ये रिप्रेजेंट होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसनों असी सॉल्व नहीं करांगे क्योंकि असी सैकेंड पार्ट सिर्फ सारे सामने रिप्रेजेंट किया है क्वाड्रेटिक दे विच। सो ये सीगा फोर्थ पार्ट, सैकेंड का फोर्थ पार्ट जिसनों असी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीप्रजेंट किया। सो ये नाल दे साम एक्सरसाइज 4.3 भी आउणगे, बस रूल याद रखना सबट्रैक्ट ते सबट्रैक्ट, ऐड ते ऐड, जो स्पीड घटेगी तो टाइम भी घट जाएगा, स्पीड वधेगी तो टाइम भी वध जाएगा, फिर असीं सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन रीप्रजेंट कर लेंगे। सिंपल मैथड, माइनस ते दोवें ही माइनस करने ने, जेकर स्पीड घट रही है तो टाइम भी घटेगा, स्पीड वध रही है तो टाइम भी वधेगा, फिर उसनों सोल्व कर देंगे सामनू, और ये रीप्रजेंट हो गया एक्स की स्केयर माइनस 8x माइनस 1280। थैंक यू।